हरियाणा के गोहाना में आधी रात को खानपुर रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंटर के बीच टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली गांव खानपुर से गोहाना की तरफ जा रही थी तो वहीं कैंटर गोहाना से खानपुर की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि कैंटर चालक स्पीड में था और पहले एक कार को पीछे से टक्कर मारी और बाद में ट्रैक्टर में सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को खानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए दाखिल करवाया। ये अभी सूचना प्राप्त हुई थी, खानपुर रोड पर एक्सीडेंट कैंटर का और ट्रैक्टर ट्राली का हुआ है। कैंटर जो है खानपुर की तरफ जा रहा था और जो है वो गोहाना की तरफ जा रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली कहीं मंदिर के लिए रेती वगैरह लेने के लिए। तो घटना का पता चला था। अभी इंजर्ड हुए हैं, दो तीन इंजर्ड हुए हैं और तो कोई खास खबर आई नहीं है। खानपुर एडमिट हुए हैं और रास्ता खुलवा दिया है और आगे अभी जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। सर एक कार भी जो है खेतों में, कार का एक्सीडेंट नहीं है, कार तो पीछे से आ रहा था और अचानक जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ तो उसने नीचे उतार दिया। कहां के रहने वाले थे ये? सभी खानपुर के। ये ट्रैक्टर में जा रहे थे, मतलब गोहाना मंदिर के लिए, मतलब रोड़ी लेने के लिए जा रहे थे, रोड़ी डस्ट और तो ये मतलब गाड़ी वाले ने आकर इसमें टक्कर लगा दी। आप गोहाना इधर जा रहे? ट्रैक्टर मेरा भाई चला, हाँ हमारा ही खुद का। गोहाना जा रहे थे आप? हाँ गोहाना, मतलब मेरा भाई एक रक्ता नंबरदार है और तीसरा नाम था उसका सहदेगा रणधीर सिंह शादी राम जो एक्सपायर हो चुका है। तो गोहाना जा रहा था? हाँ। तो ये किधर से आ रहा था? ट्रैक्टर गांव खानपुर कला से आ रहा था। और ये जो टेम्पो है? टेम्पो गोहाना से आ रहा था। बता दें कि इस हादसे में खानपुर गांव के रहने वाले ट्रैक्टर चालक रणधीर की मौके पर मौत हो गई जबकि इसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस के आने के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया और रास्ता खुलवाया। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।